खड़ी बहन जी अस्सलाम वालेकुम। एक बेटा तो है तुम्हारा। एक बेटा है तुम्हारा। बेफिक्र हो इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक करेगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। खड़ी बहन अल्लाह सब ठीक कर, अल्लाह सब ठीक कर। आओ बेटा, अल्लाह देखो बहन, सब अल्लाह को ये मंजूर था ना। कोई नहीं, अकेले क्यों हो तुम, अकेले कहाँ हो बताओ। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है ना, ख्याल रखो इस बच्चे का, अपनी अपनी सास का, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अभी हम उसी परिवार में हैं, जाफराबाद परिवार में, जिसकी मैंने वीडियो डाली थी। और ये हमारी माँ है, इनका एक बेटा था, उसका इंतकाल हो गया, आज इसी घर में हम आए हैं। और ये बीवी है उनकी। आपने इज्जत क्यों नहीं कराई बहन इस बेटी को, छोटे करके बच्चे करके नहीं कराई है कि मैंने छोटा से बच्चा में काम भी करना है। या इसलिए नहीं कराई कि कुछ घर के हालात ऐसे नहीं है, कमाने वाले जी वजह ना, उसी टाइम अपने समय घर के काम करने लागे थी, कैसे करती मुझे बता देते थे। तो इद्दत तो करानी चाहिए थी ना बहन की, आप इसकी इद्दत कराइए। अभी जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह मैं दूंगा, है ना। आप इद्दत कराइए इसकी गुड़िया की, इसका जो भी, जो तुम्हारे घर का राशन का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। कितनी जिंदगी थी उसकी, मौत और जिंदगी का मालिक कौन है आप ये बताओ। ऊपर वाला है ना, जिसने दी है, हम अमानत हैं उसकी। अब मैं यहाँ से जाऊँ, मेरी आखिरी सांस हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, बताओ। मैं सोची थी अल्लाह मेरे लौंडे की कंधे से जाऊँ, मैं इसके ऊंच मेरे कंधे से हो गया। बड़ी मुश्किल है भाई, जब याद करती हूँ उसकी याद बहुत आती है। हम बुरी जगह है, वो अच्छी जगह है। आप अपने पोतों का, पोतियों का, बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है। अगर इनको इज्जत करानी है तो इज्जत कराओ इनको, और इज्जत के इंशाल्लाह जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा, ठीक है ना। कितने कमाती हुआ एक महीने में, कितने कमा लेती है, 1000-1200-1500 कमाती है एक महीने। हमने काम करा ही नहीं, बस पेंट का भाई जा दिया इमरजेंसी में, बस उन्हें दे दिया, अभी ना करा काम। क्या करूं, दो लड़के
मेरी दोनों अल्लाह मैंने ले लिया, एक मेरा ले लिया है, शादी शुदा करके बच्चे करके चला गया है। अब कोई बेटा नहीं आपके पास? कोई ना, अगर लड़की लड़की है ना, शोहर है ना, बेटा है नहीं है, बस सास बहू है। देखो रिजक रिजक का मालिक अल्लाह है, ठीक है ना, जिसने इस दुनिया में हमें भेजा है उसने इंतजाम भी करके भेजा है, उसने कुछ ना कुछ इन बच्चों का इंतजाम कर दिया होगा, इस बहन का इंतजाम कर दिया होगा, आपका इंतजाम कर दिया होगा। जब से वो गया आज तक कोई दिन ऐसा गया जिस दिन खाना ना खाया हो? हमेशा खाए ना। रबी इल्लतुमंतशा रबी जिल्लतुमंतशा, मेरे पैसे नहीं है वो, मेरे पैसे नहीं है वो मदद है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मदद है। कोई चल ले घर से झूठ के बोल, कोई अभी तक भी है, बीसवां भी हो जाएगा मेरे लौटे का, उसमें भी अभी तक कोई चल ले चलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करने वाला। और देखो नमाज की नमाज पढ़ो, पाबंदी करो नमाज की, उसकी रूह को सवाब पहुंचाओ। अभी हम जाफराबाद उसी घर में हैं जिसकी वीडियो मैंने डाली थी अब से डेढ़ दो महीने पहले, और हमारे एक भाई थे, उनको पेट में कैंसर था और उनका इंतकाल हो गया। किस तारीख में इंतकाल हुआ था? 30 अगस्त को तीस को इंतकाल हुआ है। तो आपसे कुछ कह के गए थे? मुझसे कह के गए बच्चों को पालिए, बात हुई थी आपकी? हाँ हुई थी। के बच्चों का ख्याल रखना, ये बोल गए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके आसपास ऐसे हमें हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन उनको देखना है, इनका इन बच्चों का बाप का साया इसके सर से उठ गया। अब छोटी सी बच्ची है, तीन बच्चे हैं ना, तीन लड़कियां लड़कियां हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का सहारा बनो, और हमने उस वक्त भी इन बहन का अकाउंट नंबर डाला था। तो आप कैसे दोनों कैसे काम करते हो? बस वही काम करके अभी शुरू ना करा, एक दिन करके आई थी मैं, बहू ना मैं गई थी, बहू को ना भेजा मैंने, मैं तो घर पे रहे, कोई आ जाए तो फिर मैंने बोला कि टाइम मांगी। आप किसी आलिम से मुफ्ती से पता करना कि अगर आपकी बेटे की ये हमारी बहन अगर अभी भी इद्दत में बैठ सकती है तो बैठिए, बिठाइए इद्दत में इसको। चार महीना किसी से मालूम कीजिए, किसी मुफ्ती से मालूम कीजिए, मुफ्ती साहब से मालूम मसला पूछ के अगर इद्दत में बैठ सकती है तो बैठिए। इनको इनका कितना कमाते हैं? मैं हर महीने राशन दूंगा आपको, हर महीने राशन मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। चार महीने दस दिन जब तक ये बहन हमारी इद्दत में रहेगी, राशन मैं चार पाँच महीने में कंटिन्यू भेजूंगा। मैं शुएब को बोलूँगा राशन के लिए, शुएब भाई इनको एक राशन आप लोगे देंगे, एक राशन का पूरा पैकेट। पूरा है ना, दाल चीनी चावल इसमें सब कुछ आ जाएगा, है ना। पांच बहन इद्दत करो तुम अपनी, है ना, और मैं हमेशा भेजूंगा आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन छोटी छोटी बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, जो कमाने वाला था वो उस दुनिया से चला गया। तो बस दोस्तों यही मेरा कहना है कि ऐसे लोगों की खिदमत किया करो, ऐसे लोगों का साथ दिया करो, क्योंकि इन लोगों के अलावा इन लोगों के पास आप लोगों के अलावा कोई सहारा नहीं है अल्लाह के अलावा। यही मैं चाहता हूँ कि 1000 मुशाहिद खड़े हों, हर शहर हर गली हर मोहल्ले में मुशाहिद खड़े हों। जो मैं काम करता हूँ ये हमेशा ये काम चलता रहे, मेरे बाद भी चलता रहे। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, फला बीमार है, आप यहाँ आ जाइए, फला गरीब है। मैं चाहता हूँ कि जो हम ये काम करें ये हर आदमी करे, अपने अपने शहरों में अपने अपने इलाकों में काम करे, और सोचे कि हम अपने महलों में अपने अपने फ्लैटों में एसी में रहकर ज़िंदगी नहीं बिता पाते, अफसोस करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक बार नज़र घुमाइए ऐसे लोगों पर भी, ऐसे लोगों की भी ज़िंदगी है जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, बेसहारा लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके दिल को कहीं जरा से भी छूती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें यूं ही प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा बेटी है हमारे भाई की, और ये बड़ी बेटी है,
ये छोटी बेटी पैसे ले रहे, पैसे लेने। चलो ये आपके, जो ले लिए वो आपके।